आज हम एल्केन एल्कीन एल्काइन के सूत्र निकालना जानेंगे। एल्केन का सूत्र होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, एल्कीन का होता है सी एन एच टू एन, और एल्काइन का होता है सी एन एच टू एन माइनस टू। तो हम लोग मीथेन का निकालते हैं, एन इजकल टू वन गुणे टू प्लस टू इजकल टू फोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीथेन का, सी एच फोर। अब ये आपका हो गया सेकेंड नंबर, एन इजकल टू टू गुणे टू दो दूनी चार प्लस दो छः। अब इथेन का क्या होगा, सी टू एच सिक्स, एन इजकल टू थ्री गुणे टू प्लस टू तीन दूनी छः दो आठ। अब प्रोपेन का क्या होगा, सी थ्री एच एट। अब ब्यूटेन का क्या होगा सूत्र, एन इजकल टू फोर गुणे दो प्लस टू चार दूना आठ दो दस, सी फोर एच टेन। और पेंटेन का क्या होगा, एन इजकल टू फाइव गुणे टू प्लस टू पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस टू बारह। पेंटेन का क्या होगा, सी फाइव एच ट्वेल्व। अब हेक्सेन का क्या हो जाएगा, एन इजकल टू सिक्स गुणे टू प्लस टू इजकल टू क्या होगा, छः दूनी बारह दो चौदह। तो हेक्सेन का क्या होगा, सी सिक्स एच चौदह। और हेप्टेन का क्या होगा, एन इजकल टू सेवन गुणे टू सात दूनी चौदह प्लस दो सोलह। हेप्टेन का सूत्र क्या हो जाएगा, सी सेवन एच सोलह। और ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, एन इजकल टू एट गुणे टू प्लस टू आठ दून सोलह दो अठारह, सी एट एच अठारह। अब नेक्सन का क्या हो जाएगा, एन इजकल टू नाइन गुणे टू प्लस टू इजकल टू कितना हो जाएगा, नौ दूनी अठारह दो बीस हो जाएगा आपका, सी इजकल टू नाइन एच ट्वेंटी। अब डिक्शन का क्या हो जाएगा, एन इजकल टू टेन प्लस टू प्लस टू दस दूना बीस टू बाईस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बाईस हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, सी टेन एच ट्वेंटी टू। तो आज हम लोग एल्केन से एल्केन के सूत्र निकाल के मेथेन मेथेन वगैरह पूरा हम लोग भरे हैं, एल्केन का सूत्र उसके माध्यम से हम लोग निकाले हैं मेथेन से लेकर डिक्शन तक। बहुत आसान एवं सरल भाषा में हम लोग इसको परिभाषित किए हैं इसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। एल्केन का सूत्र मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सी एन एच टू एन प्लस टू, ये आपका एल्केन का सूत्र हो जाएगा, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं।